आज मैं आपको IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। क्या इसके शेयर्स आपको खरीदना चाहिए? किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कितने दिन होल्ड करना पड़ेगा? कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, टेक्निकल कैसे हैं? क्या कंपनी के शेयर्स अभी खरीदने चाहिए या गिरावट के बाद ही खरीदने चाहिए? ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को स्किप ना करें। आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या हमें कॉल करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखिए, CEO इन दी मॉर्निंग, सेफ बाई इवनिंग। यहाँ पर मल्टीपल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आजकल आम बात हो गई है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे टैलेंट का होना आज की दौड़ धूप वाली जिंदगी में बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो ऐसे में IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैसे मदद करती है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, IFB अप्लायंस, लॉन्ड्री, लिविंग, किचन, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। ये देखिए, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, किचन अप्लायंसेस हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे कि हमारी लाइफ बहुत ही आरामदायक हो सके और हम अपने कामों को जल्दी निपटा सकें। IFB फाइन ब्लैंकिंग NI फॉर डिटेल, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे। IFB अल्ट्रा माइल्स, ये प्रोडक्ट्स हैं। अबाउट IFB इंडस्ट्रीज हम आपको बताना चाहेंगे। IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओरिजिनली नोन एज इंडियन फाइन ब्लैंक्स लिमिटेड, स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया ड्यूरिंग 1974 इन कोलैबोरेशन विद हेरिच समिट एजी ऑफ स्विट्जरलैंड। द प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स फाइन ब्लैंक कंपोनेंट्स, टूल्स एंड रिलेटेड मशीन टूल्स लाइक स्टेडिनर्स, डेकोडर्स, स्ट्रिप लोडर्स एंड अदर्स। द इंजीनियरिंग डिवीजन आर लोकेटेड एट कोलकाता एंड बैंगलोर। द बैंगलोर यूनिट, अपार्ट फ्रॉम फाइन ब्लैंक कॉम्पोनेंट्स, मैन्युफैक्चर्स मोटर्स फॉर वाइट गुड्स एज वेल एज ऑटोमेटिव अप्लायंसेस। तो चलिए इनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हम आपको दिखा देते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देख लीजिए, इनके प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। कई वैरायटी में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फ्लाइंग हाई ऑन सक्सेस, आई चूज माई ओन पाथ, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन माई विजन, IFB सेट योर सेल्फ फ्री। देखिए, इस तरह की टैगलाइन से अपने अप्लायंस के थ्रू अपने कस्टमर की लाइफ को बहुत ही रोमांचक बनाते हैं और उनको बहुत सारा समय कंफर्ट के लिए देते हैं। देखिए, इनके प्रोडक्ट्स हैं वॉशर ड्रायर रिफ्रेशर, फ्रंट लोड, टॉप लोड, डिश वॉशर बनाती है ये कंपनी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन भी बनाती है ये कंपनी, और भी कई बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। क्लॉथ डायर्स भी बनाती है ये कंपनी, चिमनी बनाती है, हॉब ओवन, लिटिल वंडर्स, एसेंशियल्स, एसेसरीज, कमर्शियल, इस तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। आपकी स्क्रीन के सामने है 100% मोर हाइजीनिक देन हैंड वॉशिंग। एसेंशियल में फैब्रिक केयर, डिश केयर, मशीन केयर, हाइजीन केयर, एयर केयर, कमर्शियल केयर जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है कंपनी, और इस वेबसाइट के द्वारा ही आप उनको खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके काम के कई प्रोडक्ट्स अभी इस स्क्रीन पर दिखें आप, और आप उसको बाय भी कर सकें।
देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने कई प्रोडक्ट्स हैं। फैब्रिक केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं, तो चलिए इस बेहतरीन कंपनी में निवेश क्यों करें ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आईएफबी इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट प्राइस है 996.35। हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी है। एक ही दिन में इसने 13.18% का रिटर्न दे दिया है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है एक ही दिन में। 1 वीक में 15.39% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 12.18% का रिटर्न, 1 ईयर में 11.08% की गिरावट है, 3 ईयर्स में 2.45% और 5 ईयर्स में 61.16% का रिटर्न दिया है इसने अपने निवेशकों को। टेक्निकल चार्ट भी दिखाते हैं आपको, क्या कहता है टेक्निकल चार्ट, क्या खरीदारी अभी करनी चाहिए या और इंतजार करना चाहिए। देखिए, ये स्टॉक जो है 50 MA के सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, 200 के सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और काफी गिरावट में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने ओवरसोल्ड जोन को टच कर चुका था। अब ये स्टॉक जो है इसका आरएसआई जो है 63 है, तो और स्टॉक में अभी तेजी बन सकती है, तभी तो भी आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप जो है 1291 टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए, इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी हम आपको बता देते हैं। 52 वीक लो 800 है, 52 वीक हाई 1365 रुपीज है। 52 वीक हाई से इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है जो कि आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाय ऑर्डर क्वांटिटी 55.96% की है, सेल ऑर्डर क्वांटिटी 44.04% की है। तो आप देख रहे हैं आज बायर्स ज्यादा हैं और जम के माल खरीदना चाहते हैं इस स्टॉक में। फंडामेंटल्स देखिए, मार्केट कैप जो है 3567 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो 56.41 का है, पीबी रेशो 5.13 है, इंडस्ट्री पी 19.75 है। तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हायर पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.42% की है, ईपीएस नेगेटिव है, डिविडेंड नहीं देता है ये स्टॉक, बुक वैल्यू 163.78 की है। फाइनेंशियल देखिए, इनके रेवेन्यू तेजी से ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट जो है जो नेगेटिव हो गए थे अब वो पॉजिटिव हो चुके हैं और इनके प्रॉफिट में तेजी देखी जा रही है। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ में गिरावट देखी गई है, ईयरली नेटवर्थ में तेजी दिख रही है, प्रॉफिट भी इनके लगातार बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू रेवेन्यू में भी इजाफा दिख रहा है साल दर साल। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईएफबी इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रम नाग हैं। कंपनी स्थापित हुई 1974 में, एनएसई सिंबल आईएफबी आईएनडी के नाम से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 74.96% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 14.41% की होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 7.43% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी 1.31% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं और यूटीआई मिड कैप फंड 0.56% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। सिमिलर स्टॉक्स हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वर्लपूल ऑफ इंडिया, अंबर एंटरप्राइजेस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, टीटीके प्रेस्टिज, सिंफनी। इस कंपनी में क्या इवेंट्स आ रही हैं, क्या न्यूज निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। बोर्ड मीटिंग 1 फरवरी 2022 को हो चुकी है, डिविडेंड नहीं देती है ये कंपनी। न्यूज हम आपको बताना चाहेंगे, आईएफबी इंडस्ट्रीज स्टैंड अलोन दिसंबर 2021 नेट सेल्स एट रुपीज 922.191 करोड़, अप 0.01% ईयर ऑन ईयर। तो इसके नेट सेल्स में मामूली ग्रोथ देखी जा रही है ईयर ऑन ईयर। आईएफबी इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ रुपीज 3.21 करोड़ इन द दिसंबर 2021 क्वार्टर। तो 2021 के क्वार्टर में इनको लॉस मिला है और उसकी वैल्यू है 3.21 करोड़। तो इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है इस स्टॉक के बारे में। आई अभी इंडस्ट्रीज के टारगेट हम आपको बताना चाहेंगे, ये सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से दिया गया है।
और ये टारगेट है 935 रुपीज़ का। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईएफबी इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं और 935 टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ये टारगेट कब तक आ सकता है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। टाइम पीरियड गिवन बाई एनालिस्ट इज 1 ईयर, तो 1 साल के लिए इंतजार करिए, टारगेट का इंतजार करिए 935, और जैसे ही टारगेट आता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए रेजर पे लिंक पर क्लिक करना होगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें, पेमेंट करें और सर्विस को एक्टिवेट कर लें। इससे आपको उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपको बहुत ही कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो देर किस बात की, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।